रिस्की वाला इंसान है, ऐसा आम भाषा में रिस्की वाला इंसान है, ये पेपर को एक बार क्या करते है जेई में लिखता है तो उसमें फेल होता है, फिर ए में वो भी निगोशिएट करता है, हमको फिर ए में देना पड़ेगा नहीं तो नहीं होगा, कुछ भी करेगा, ऐसा वाला इंसान है जी। मेरा ऐसे सोच है कि देखो अभी दुनिया देख रहा है ना, हर कोई जानते है कि आपका ये तके जेरंग हो गया, उसका तनयुग गदुग हो गया और ये तमा हो गया, उसको बिल्कुल आपका बिल्कुल बेल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर का सवाल है ना। आज बेल मिला है तो देखो दैट मीन्स हम लोग कुछ तो ऑब्वियसली कुछ तो सोचेगा उसको, इसलिए हम लोग का सबका कहना है, सब माफ से कहना है कि बेल बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, बस वही है मेरा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये भी तो लगता है कि बार बार यहाँ हियरिंग होते हैं और बार बार आप लोग यहाँ आते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को हैरेसिंग इनडायरेक्टली डायरेक्टली हैरेसिंग भी हो जी, रहा जी, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अरे हम लोग वहाँ से देखो कोई कोई लोग तो कोई कोई लोग तो आपको द्विमुख से आता है, कोई कोई लोग बस्ती में बैठ के भी ये चीज के लिए आता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग ये क्या एक स्टूडेंट है हम लोग है कि नहीं, हम लोग कब तक ऐसे आता रहेगा। इसलिए मेरा आपका ये बार काउंसिल से ये आपका टिटी तारा सर को भी मैं अपील करना चाहूँगा, आप मॉरल ग्राउंड में आप एक बार काउंसिल का ये प्रेसिडेंट है कि नहीं, तो मॉरल ग्राउंड आप भी ये चीज समझना चाहिए ना, कल को जाके आपका बच्चा भी देगा ना ये चीज को है कि ना, हम लोग तो ही नहीं देगा, दिस इज नॉट फॉर द इंडिविजुअल, ये हर किसी का है, इसलिए हम लोग आज सब यहाँ आया है, सब अपना हक लड़ने के लिए आया है। ठीक है, थैंक यू। जिस तरह से जो CBI SIC इन्वेस्टिगेट कर रहा है जितना पकड़ रहे, तो वो सिस्टम को आप अभी तक बिलीव करता है या सेटिस्फाइड है आप जी? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ना देखो काली प्रेजेंटेशन किया था, ये हर कोई देखा ही होगा, देखो छोटा मछली को पकड़ के ये नहीं होगा, ये फायदा नहीं होगा, इसलिए हम लोग का सीधा सा ये सवाल है, निपो ने हमको क्यों अभी तक अरेस्ट नहीं किया ना, है कि ना, शुरू क्यों नहीं किया, है कि ना, शुरू करना चाहिए तब जाके तो धीरे धीरे आएगा ना, है कि ना, वही है मेरा। मतलब आप सिस्टम को अभी तक ट्रस्ट नहीं करते? नहीं, सिस्टम को मतलब हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग बार बार ये आना पड़ रहा है, बार बार ये करना पड़ रहा है, तो थोड़ा तो होगा ना हम लोग ना, इसलिए बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है हम लोग चीज को, इसलिए हम लोग यहाँ आज जितना भी एस्पायरेंट एग्रीड एस्पायरेंट लोग आया है सेशन ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट UPI में, ये है कि हम लोग ये जताने ये दुख जताने आया है कि आज फिर हम लोग का ये चोर, हम लोग चोर कहता चोर टाइटल दे दिया, तके जेरंग हो गया, तन्यंग गादुक हो, तोमस गादुक हो गया और जुबम चांग मेंगू, ये लोग ने ये बेल एप्लीकेशन फाइल किया बोला और आज उन लोग का हियरिंग है, तो हम लोग ये कहने आया है, सबको ये बताने आया है कि इसको बेल नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखिए तके जेरंग का कारनामा को तो आप लोग ने देख लिया, वो किस किस को कितना आदमी को ये बैकडोर एंट्री करके ये ऑफिसर बनाया, अपना किट एंड किन और अपना ये रिलेटिव्स, बहुत आदमी को ये गलत तरीका से जॉब दिया है, पेपर को ये होटल में ले जाके लिखने दे रहा है जो फेल हो रहा है, दो तीन बार एक ही पेपर को लिखने दे रहा है, ये तके जेरंग का काम है, तो ऐसा आदमी को आप बेल क्यों देगा? उसका वजह से कितना आदमी लोग ये कोई लोग सुसाइड हो गया, हम लोग का फेलो एस्पायरेंट लोग, कोई लोग छोड़ दिया ये एग्जाम लिखना क्योंकि उन लोग का उम्मीद टूट गया, ऐसा करके ये हमारा एस्पायरेंट का उम्मीद को ये किल करने वाला, मर्डर करने वाला, हमारा मेहनत को मर्डर करने वाला, ऐसा आदमी को क्यों बेल देगा? और जहाँ तक देखा है जोम चांग मेंगो, वो एक ब्रोकर है, बहुत माना जाना ब्रोकर है बोला है, तो वो भागता रहा, उसको पकड़ने नहीं सका, लास्ट में उसका लाइफ जो थोड़ा थ्रेटनिंग में आ गया तो खुद सरेंडर हो गया। ऐसा ही अभी देखिए तके जेरंग को बेल देता है तो उसको तो जो पैसा दे के रखा है, जिसका नाम अभी तक खुलासा नहीं हुआ, वो भी चोरेगा नहीं, उसका पीछे पुलिस लगा हुआ है, एस्पायरेंट भी लगा हुआ है और आपका जो पैसा दिया वो भी लगा हुआ है, ऐसा आदमी को हम ये चाहता है कि जेल में आराम से बैठने दो, वहाँ खाने पीने दो, वहाँ ही उसका सेफ जोन है, उसको बाहर निकलने नहीं देना चाहिए, चाहे जो भी हो ऐसा है। और ये तोमस गादुक जो है, ये भी एक बहुत ये है कि रिस्की वाला इंसान है, ऐसा आम भाषा में रिस्की वाला इंसान है, ये पेपर को एक बार क्या करते है जेई में लिखता है तो उसमें फेल होता है, फिर ए में वो भी निगोशिएट करता है, हमको फिर ए में देना पड़ेगा नहीं तो नहीं होगा, कुछ भी करेगा, ऐसा वाला इंसान है। तो अभी बोलेगा ए में ए तो कैंसिल हो गया, अभी हमको फिर कंबाइन में हमको CO बनाओ, ये बोलेगा, ऐसा इंसान को बेल नहीं देना चाहिए, उसको अंदर में रखना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। और तायंग गादुक जो है, ये भी पिताजी, वो भी बहुत आदमी को बनाया बोला है, ऐसा ब्रोकरेज करके ऐसा आदमी को बिल्कुल अंदर में रखिए, ये कहना चाहता हूँ सबका। मेरा आवाज जो है, मेरा अकेला नहीं है, अकेला का नहीं है, सबका, सब एस्पिरेंट का है, सारा अरुणाचल का है, सारा माँ पिताजी का है, और जो छोटा छोटा बच्चा अभी स्कूल में जा रहा है उसके लिए है, और जो कॉलेज में जा रहा है उस लड़का लड़की लोग के है। और ये
और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो अभी हमारा लीगल फ्रेटर्निटी है जो बार एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और कुछ लोग ने ये किया है कि हम जिस आदमी को लड़ रहा है उसके मैंने सपोर्ट में वो लोग अपना प्रोफेशनल एथिक्स बोल के या फिर वो लोग का प्रोफेशन है बोल के लड़ रहा है, उसे मैं तहे दिल से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी ये मत कीजिए। आप लोग हम लोग का भैया है, आप कहता है भाई लोग ये मत करो, हम लोग मान गया, चलिए हम लोग अभी आप लोग का जो प्रोफेशनल एथिक्स को हम लोग हार्म नहीं करने के लिए हम लोग चुपचाप करा होता है, ये इसमें चिल्लाता भी नहीं है, धरना में हम लोग साइलेंस प्रोटेस्ट करता है क्योंकि हम लोग घर में नहीं बैठ सकता है। जब बेल हियरिंग होता है, पिटीशन लोग फाइल करते हैं, तब हम लोग का रात तो नींद खराब हो जाता है, इसलिए हम लोग कोर्ट में आके देखता है आप लोग क्या कर रहा है, सुनता है आप लोग क्या बोल रहा है। इसलिए हमारा बड़ा भैया जो भी अभी हम लोग का पेपर चोर लोग को चोर के सपोर्ट में मीन्स उन लोग के लिए लड़ रहा है, उसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग मत लड़िए, आपका बेटा बेटी के लिए हम लोग लड़ रहा है, आपका माँ पिताजी हम लोग को ये करके पैसा खर्च करके स्कूल पढ़ाया, कॉलेज पढ़ाया, फिर कोचिंग भी करवाया 2-3 साल, हम लोग भी दिल्ली में कोचिंग करके आया है पर भी नहीं होता है। उस पैसा को कंपेंसेट करने के लिए आप लोग का थोड़ा सा जो ये केस है रेफरेंड होने में हम लोग का भलाई होगा। इसलिए बड़ा भैया लोग जैसे हम लोग का बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है वो भी कुछ केस लेके रखा है, हम रिक्वेस्ट करता हूँ हमारा माँ पिताजी भाई भैया सबका ये बिहाव में कि आप भी छोड़ दीजिए। जैसे कि हाल ही में हमारा रिगुम नवम सर उसने भी ये केस लेने में मना कर दिया, बहुत अच्छा काम किया। ऐसा ही कुछ अंदर में हमारा दोस्त लोग जो एडवोकेट बना है और हमारा भैया लोग बना है वो लोग भी कुछ लोग बोल रहा है वो लोग भी नहीं लेगा ऐसा करके, वो लोग भी जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगा शायद। ऐसा ही जो ले रहा है अपना, आप अगर ले रहे तो उस आदमी एक ही आदमी दो आदमी के लिए आप ये काम कर दे रहे, लेकिन आपका एक दो आदमी के लिए काम करने का जगह में बहुत आदमी का डिप्राइव हो रहा है, इसलिए आप लोग भी ये केस को प्लीज मत लीजिए, ये ऐसा रिक्वेस्ट करता हूँ। अच्छा आपको एक सवाल है, जैसे कि आप लोग जो निपो नवम करते हैं वो तो ऑलरेडी मतलब मोरलिटी ग्राउंड में रिजिग्नेशन दे के रखा हुआ है, तो उससे ज्यादा आप लोग को क्या, आप लोग का क्या डिमांड है? देखिए आपका पब्लिक सर्विस कमीशन अरुणाचल में ऐसा है, इसमें चेयरमैन सबसे बड़ा पोस्ट में है, तो वो बड़ा पोस्ट में बैठने वाला को इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है और इंट्रोगेट नहीं कर रहा है उसके बिना, तो देखिए स्ट्रॉन्ग रूम का चाबी भी 3 होता है बोला, जैसे हमको पता चल रहा है एक चाबी निपो नवम का पास है, तो जैसे इन लोग का एसओपी का हिसाब से अगर स्ट्रॉन्ग रूम को खोलना है तो 3 चाबी लाना पड़ेगा, तो अभी हम लोग का ये क्वेश्चन है कि वो 3 चाबी सीधा तकेश जेरन को सब सौंप दिया था क्या, ये है, तो अगर सौंप दिया था तो कब सौंपा और क्यों सौंपा, अगर नहीं सौंपा था तो ये स्ट्रॉन्ग रूम कैसा खोला, आपका क्वेश्चन पेपर को आंसर शीट को बार बार आराम से निकल के ये लिखने दे रहा है, इसलिए निपो नवम तो अकाउंटेबल है, उसको इंट्रोगेट करना है, इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, इसलिए जो उसका मॉरल ग्राउंड में रिजिग्नेशन दिया ये खत्म, इसमें खत्म नहीं होता है।